अयोध्या थाना कैंट के गद्दोपुर छत की शटरिंग पर काम करते समय मजदूर 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। नाजुक हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि शटरिंग का काम करा रहे ठेकेदार ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है और इलाज किया जा रहा है। वहीं उसके बड़े भाई ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। हाँ, उमेश पांडे हमारे छोटे भाई हैं, वो गद्दोपुर में शटरिंग का काम करने के लिए आए थे। दीपचंद यादव का कंट्राक्ट है, वहाँ कर रहे थे। 11,000 लाइन हाई टेंशन लाइन वहाँ काम कर रहे थे। अब किस बेसिस से कैसे गादाला वहाँ उनके तार में टच कर गया और उनको 11,000 लाइन मार दी और वो नीचे गिर गए। बेहोशी हालत में आके यहाँ एडमिट दीपचंद यादव ने करवाया, जिला अस्पताल फैजाबाद जिला अस्पताल में उनको एडमिट करवाया। उसके बाद घर पे सूचना फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ आए। हालत कैसी समय? अभी हालत बहुत पूरी शरीर में बहुत दर्द है, गंभीर स्थिति में है अभी। कहते क्या आप लोग? हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं या बिजली विभाग से कि उनकी मदद की जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो 3 लड़की हैं और 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और उससे मजदूरी उन्हें अकेला सहारा है। घर पे और कोई नहीं, तार ऊपर से गया है, किसी घर से तार गया है। वो शटरिंग करने के लिए मजदूरी करते थे, शटरिंग करने आए थे। अब ये तो पता करना पड़ेगा किसके यहाँ गए थे। अभी मैं आया, अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं ले पाया हूँ किसका नाम घर है।